राजगंज वासियों के लिए असली दिवाली आज है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से 500 मीटर के दायरे में व्यवसायिक गतिविधियों को बंद करने का आदेश दिया था, उसके बाद इन लोगों के जो चेहरे मायूस थे, लेकिन आज आइए एप्लीकेशन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यवसायिक गतिविधियों को बंद करने का जो पुराना आदेश दिया था उसको बहाल कर दिया है। यानी अब ताजमहल से लगती हुई तमाम जो कारोबार है वो पहले की तरह अब अनवरत चलता रहेगा, किसी भी तरह की कोई भी कानूनी रुकावट नहीं देखने को मिलेगी। और यही वजह है कि आप तमाम जो ताजगंज में जो दुकान करते हैं, अपनी ट्रेडिंग करते हैं, कारोबार करते हैं, वो लोग दिन में दिवाली मना रहे हैं। तमाम लोग हमारे साथ हैं, तिरंगा झंडा हाथ में लिए हुए हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो उनका उत्साह है वो चेहरे पर देखते ही बन रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आप बताइए असली दिवाली तो आप लोगों की मुझे लग रहा है आज नजर आ रही है। बिल्कुल, इसके अंदर बहुत बड़ा खुशी का दिन है, और इसके अंदर माननीय उच्च न्यायालय ने 500 मीटर की जनता के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान का काम किया है। आप ये सोचिए कि इसके अंदर योगी महाराज जी का एक बहुत बड़ा अहम रोल है। इसके अंदर जो योगी जी ने 500 मीटर की जनता के ऊपर किया है, एक बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि जब तक सरकार इन्वॉल्व नहीं होती तो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट भी इसके अंदर इतनी इंटरेस्ट नहीं लेता। और भी लोग हैं, देखिए मिठाइयां वितरित की जा रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आप लोगों के कारोबार, आप लोगों की जान से निकल गई थी। देखिए हम लोग काली दिवाली मना के अपना रूप बना रहे थे, और रोजी और रोटी का बहुत बड़ा संकट था। जिस तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज हम लोगों को इतनी बड़ी राहत दी है, इससे बड़ा नया जन्म हमारा कभी हो नहीं सकता। चाहेंगे आज हमारी दिवाली है, हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। की लोगों के चेहरे पे खुशियां, क्या लगता है दिवाली तो गुजर गई, असली दिवाली अब सेलिब्रेट। आज हमारी दूसरी दिवाली है, आज हम जीते हैं, आज हमें हिम्मत आई है, हम गरीब लोग उजड़ रहे थे आज बच गए। हजारों की तादाद में लोग इससे प्रभावित थे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो लड्डू वितरित किए जा रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, इसके साथ ही जो कहा जाए ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, लोग एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर इस पूरे फैसले को सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या लगता था कैसे बीते ये बिन, अब तो ADA को भी नोटिस वापस लेने पड़ेंगे। देखिए बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने हम लोगों की जो बातें थी उनको समझा और सोचा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उत्तर प्रदेश सरकार का भी, धन्यवाद इससे जुड़े अधिकारी और जितने भी हम लोगों के करीबी थे उनका भी, क्योंकि आज का दिन हमारे लिए एक तरह से अब दिवाली है। देखिए हजारों लोगों की दिवाली आज है, हालांकि दिवाली पहले 23 और 24 तारीख के दरमियान हो चुकी है, लेकिन असली दिवाली आज सेलिब्रेट हो रही है। लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, हाथों में तिरंगा लिए हुए, रोजी रोटी और हमारे हजारों परिवार, इसमें इतना स्टाफ था हमारा, और हमारी दिवाली जो काली गई थी, आजादी का पहली दिवाली ऐसी काली थी। ये देखिए सेलिब्रेशन लगातार यहाँ बन रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने पुरानी व्यवस्था को बहाल कर दिया है। हालांकि नीरी से एक रिपोर्ट मांगी गई है, एक स्टेटस रिपोर्ट नीरी अपनी रिपोर्ट देगी कि यहाँ जो तमाम व्यवसाय गतिविधियाँ होती हैं उससे क्या पॉल्यूशन का इमिशन होता है या नहीं। लेकिन जो फौरी राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली है उससे जो ताजगंज वासी हैं, खासकर जो 500 मीटर के दायरे में रहने वाले लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं। उनका कहना है कि दिवाली भले ही निकल गई, लेकिन ताजगंज वासियों की असली दिवाली तो आज ही है। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।